हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टे अपडेट प्रेजेंटेड बाय जेके रखान। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंडर जो फ्रेंड्स आपका डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंडर एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के लिए जा रहा है, जो कि फ्रेंड्स आपका 12th और 13th of August 2021 को डिफरेंट स्टेट्स के अंडर कंडक्ट होगा। तो इसके अंडर जो फ्रेंड्स आपके एडमिट कार्ड है, वो हमने पिछली वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि आप अपने मोबाइल से इसके एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड के साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं, अपना ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ में लेके जाना है। और एडमिट कार्ड के अंडर आपकी एक डिक्लेरेशन है, वो डिक्लेरेशन भी फ्रेंड्स आपको करनी है खुद से ही। तो ये सारी चीज़ें हमने फ्रेंड्स पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस की थी, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में ये क्वेरी आ रही थी कि उनके पास एप्लीकेशन नंबर नहीं है, विदाउट एप्लीकेशन नंबर वो एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करें। तो हमने पिछली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब आपने इसके अंडर ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई किया था डिजाइन ट्रेनिंग या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंडर, तो आपको डायरेक्टली एचएएल की तरफ से एक ऑफिशियल आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे एक मेल आपको रिसीव हुई होगी। तो कैंडिडेट्स का कहना यह है कि उनको मेल रिसीव नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आपका डायरेक्टली यहां पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसको यहां पे रिकवर करने के लिए आप यहां पे एचएएल की ऑफिशियल वेबसाइट डायरेक्टली फ्रेंड्स एप्लीकेशन नंबर को लिंक यहाँ पे एचएएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। और साथ में फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा, आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, जिसमें फ्रेंड्स आपके टोटल 3 सेक्शंस रहेंगे। सबसे पहले आपकी रहेगी जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आपकी इंग्लिश और रीजनिंग, ये कंबाइंड रहेगी आपकी एक सेक्शन, और तीसरी आपकी रहेगी जो आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड रहेगी। तो ये भी फ्रेंड्स हम इस वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन नंबर को रिकवर करने के लिए, और अल्टीमेटली फ्रेंड्स वो डायरेक्टली अपने एडमिट कार्ड को फिर डाउनलोड यहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे आप रिकवर करेंगे, एचएएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, उसके बाद यहां पे आप क्लिक हियर टू व्यू करोगे तो आपको यहां पे डायरेक्टली जो लिंक है एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिंक पर डायरेक्टली क्लिक करोगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करोगे उसके नीचे यहाँ पे लिंक आपके पास अवेलेबल है, क्लिक हेयर टू नो योर एप्लीकेशन नंबर। तो इस पर फ्रेंड्स आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर को फिल करना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो मोबाइल नंबर फ्रेंड्स ध्यान दें कि मोबाइल नंबर आपका वही होना चाहिए जो आपने फिल किया था अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिल करते टाइम, और उसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे कर दोगे सबमिट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं एक कैंडिडेट का यहाँ पे डायरेक्टली जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। तो डायरेक्टली फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन नंबर को रिकवर कर सकते हैं। डायरेक्टली जो लिंक है एप्लीकेशन नंबर को रिकवर करने का, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्रेंड्स डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे डाउट है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपकी जो रिक्रूटमेंट कंडक्ट होने के लिए जा रही है, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा इस रिक्रूटमेंट के अंडर। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहली सेक्शन आपकी रहेगी जनरल अवेयरनेस की, जिसमें से आपके टोटल 20 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपकी सेकेंड सेक्शन रहेगी जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके अंदर फ्रेंड्स आपका इंग्लिश और रीजनिंग दोनों कंबाइंड रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस का आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट रहेगा, इसका कोई डोमेन आपका फिक्स नहीं रहेगा। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके जो भी करंट अफेयर्स रहते हैं, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस लेवल आपका रहेगा, नेशनल इंपॉर्टेंस रहेगा, स्पोर्ट्स रहेगा, और आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड, और ये आपका कंप्लीट जो आपका मेन करंट अफेयर्स पोर्शन है वो आपका जनरल अवेयरनेस के अंडर फ्रेंड्स रहेगा, जिसमें आपका स्टैटिक और डायनेमिक दोनों पोर्शन रहेंगे। उसके बाद आपका जो 40 मार्क्स का रहेगा जिसके अंडर आपकी इंग्लिश और रीजनिंग रहेगी, इसमें आपके जो बेसिक रहते हैं इंग्लिश के अंडर आपका एंटोनियम सिनोनियम आपके आर्टिकल्स, उसके बाद आपके जो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, ये आपके डायरेक्टली रहेंगे इंग्लिश पोर्शन के अंडर। उसके बाद आपका रीजनिंग के अंडर जो आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज रहता है, एनालॉगी रहता है, तो ये सारी डिटेल फ्रेंड्स आपके रीजनिंग के अंडर रहेगी। तो टोटल फ्रेंड्स आपका ये दोनों हो जाता है, दोनों सेक्शंस 60 मार्क्स के और 60 एमसीक्यूज ही फ्रेंड्स इसके अंडर आपके रहेंगे। उसके बाद जो फ्रेंड्स आपका रिमेनिंग थर्ड सेक्शन रह जाती है, जिसमें से आपके 100 एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो फ्रेंड्स आपका सिलेबस रहेगा ये आपका डायरेक्टली रहेगा जो आपके डिसिप्लिन के अंडर गेट 2021 का सिलेबस था। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 100 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे इनका सिलेबस वही रहेगा जो गेट 2021 के अंडर मैकेनिकल का कंप्लीट सिलेबस रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एक्सक्लूड करके जो ब्रांच से रिलेटेड
स्पेसिफिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहेगा वो फ्रेंड्स आपका कंप्लीटली जो है इसके अंडर रहेगा, जो आपके 100 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट आपका सिलेबस और एप्लीकेशन नंबर आपको कैसे रिकवर करना है। अगर आपकी कोई और डाउट है तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन के अंडर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम उन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।